हमेशा, मतलब मेरा सेकंड टाइम है और बहुत ही अच्छी सर्विस, अच्छा फूड। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और ग्रीनिश येलो टाइप का उनका शेड और फिर साथ में ये काली डांबर की रोड। क्योंकि हम आ चुके हैं अभी वारे रामू तेरे पकोड़े, एक ब्लू एक हरी एक ग्रीन, नहीं हरी। शिट 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 भाई, एक्सीडेंट हो गया यार। तो चलिए गाइस, आज है डे 4 देहरादून का हमारे, और आज के दिन हमारा है वापसी। तो चलो निकलते हैं घर की तरफ। 5.5 घंटे करीब दिखा रहे, बाकी ठीक है, रास्ता मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इट्स सिमिलर। तो चलो निकलते हैं, मिलते हैं घर पे। Yeah, now it's time to say bye-bye to this lovely property. क्योंकि यार यहाँ पे ना स्टे बहुत ही अच्छा होता है यार, हमेशा, मतलब मेरा सेकंड टाइम है और बहुत ही अच्छी सर्विस, अच्छा फूड और बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज हैं अगर आपको स्टे करना है देहरादून में। चलो जी, अपना सामान वामान छटे गाड़ी में, और गाड़ी की हालत देखो गंदी हो गई है। जब लाए थे तो एकदम धुलवा के लाए थे, बट अभी एकदम गंदी है। बट हल्का सा पानी लगेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। भाई गजब का ट्रैफिक है यार संडे को देहरादून में। वैसे हम इस बार जाते हुए हरिद्वार वाला रूट ले रहे हैं, आते हुए हम लोग सहारनपुर से आए थे, बट मुझे सजेस्ट यही किया यहाँ पे कि यार हरिद्वार से जाओ क्योंकि वो बेटर रूट है और थोड़ा फास्टर है इंस्टेड ऑफ सहारनपुर वाला। तो अभी हम उसी रूट की तरफ जा रहे हैं, वहां से खतौली और फिर आगे। वाह यार क्या रोड है और क्या ही नजारे हैं। ऐसी वाली जो रोड होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और ग्रीनिश येलो टाइप का उनका शेड और फिर साथ में ये काली डांबर की रोड, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अभी ये वही वाली रोड है जिसपे लास्ट टाइम जब मैं आया था, मेरे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, ये वही रोड है जहाँ से, जो बेसिकली जॉली ग्रांट से देहरादून सिटी जाती है, एयरपोर्ट रोड। मैं घर पे जब भी कोई गलत काम या सही काम करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा सुनने में आ जाता है, वाह रे भाई तेरे काम ही अलग हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि हम आ चुके हैं अभी वाह रे रामू तेरे पकौड़े। लैला ने मजनू के कान में कहा, पकौड़े खाना है बस रामू की दुकान में। तो जी पकोड़े खाने आ गए, हमने कहा यार थोड़ा सा ना पिक एंड गो ले लेते हैं, और ये सब पनीर प्याज आलू ब्रेड पकोड़े ये सब चीज़ें मिक्स करा लिए। रास्ते में थोड़ा बहुत खाते हुए जाएंगे, बाकी लंच टाइम तक रुकेंगे, अभी तो सिर्फ 11:15 ही हुए हैं। कढ़ाई देखो कैसे फिक्स कर रखी है प्रॉपर, यहाँ से गैस का है और कैसे फिक्स हो रखी है एकदम, जगह क्या सही बना रखी है। तो जी ऐसे कुछ सीन्स हो रहे हैं अभी गाड़ी में, पकौड़ा पार्टी। अच्छे लग रहे थे पकोड़े, वाह ठीक है जी। एंड तो पकोड़े देखने में ना अच्छे से लग रहे थे और मन भी हो रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा लाइट नाश्ता टाइप हो जाएगा जब तक हम मिड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते किसी। बोल रही है भाई, लेकिन मुझे डर ये है कि गिर ना जाए, पता लगे इसकी ब्लू जीन्स में से एक टांग ब्लू हो जाएगी और एक टांग हरी। एक ब्लू एक हरी एक ग्रीन, नहीं हरी हरी, एक ब्लू एक हरी। ये देख लो जी भीड़ हरिद्वार के लिए। यार ये दिल्ली से उत्तराखंड वाले, मतलब जो ये देहरादून और ऋषिकेश, ये जो हाईवेज है ना, इनमें ना अभी तक वो बात नहीं है यार, मतलब ये फुल ऑफ ट्रैफिक, मतलब दिन में तो इनका बुरा हाल हो जाता है इस टाइम तक, तो कोई ना कोई हर थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लग रही है, जाम लग रहा है, ठेला भी चल रहा है, स्कूटर भी चल रहा है, थ्री व्हीलर भी चल रहा है, मतलब कोई लग ही नहीं रहा कि हाईवे है। ऐसा लगता है कि पूरा ना सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो और वो भी फुल जैम पैक सिटी में, बिल्कुल मजा नहीं आता ड्राइविंग का। इधर के लिए कुछ बनना चाहिए यार बहुत अच्छा सा। अब चक्कर गया ना कि लाइन से ढाबे तो आ रहे हैं लेकिन भूख ही नहीं है अभी, क्योंकि पकौड़े इतने खा लिए, हैवी हो गया था वो तभी। टाइम हो रहा है अभी 2:45 और भूख बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फिर वैसे ही होगा इस हाईवे पे कि हम लोग लंच करने का सोचेंगे, बट हम सीधा गुड़गांव ही एंटर कर जाएंगे, वहीं जाके कुछ खाएंगे। आज कुछ महाजन सभा है यहाँ पर यूपी में, देखो पूरी रैली निकल रही है बीजेपी की, बहुत बड़ा सेटअप कर रखा है, इतनी बसेस इतनी गाड़ियाँ। इसी के कारण बस थोड़ा सा चौकअप था हाईवे पे। अब जाके वी आर ऑन द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और यहाँ जाके ना कुछ राहत मिली है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग,
क्योंकि यहाँ 100 या 120 पे क्रूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो लिमिट है दैट इज 100, और हम 100 की लिमिट के अंदर ही हैं, बिकॉज वी आर गुड गाइस। तो जी एयरपोर्ट आ गए, हम प्लेन दिख गए एयर इंडिया का, प्लेन रेस्टोरेंट कितने फेमस हो गए ना आजकल के लोग, प्लेन खड़ा कर देते हैं और अंदर ढाबा वाबा खोल देते हैं बढ़िया से। तो जी एंट्री हो गई है अपनी गाजियाबाद में, अब अगले एक घंटे में हम घर होंगे अपने गुड़गांव। शिट 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 भाई, एक्सीडेंट हो गया यार। मैं फिर बोलूंगा हाईवे पे प्लीज ड्राइव केयरफुली गाइस, क्योंकि ना स्पीड और कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या होते हैं ना कि स्पीड तो बढ़ा देते हैं लेकिन अपने ना कैलकुलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते कि कितना कट से क्या निकालना है, कितनी जगह से गाड़ी निकल सकती है नहीं निकल सकती। तो जी फाइनली अब सीपी आ गए थे, हमने कहा यार चलो लंच कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम तो हाईवे पे भूख लगी नहीं थी। तो मैं मंगा लिया मटन पराठा, दाल मखनी, रोटी और साथ में ये चटनी और प्याज।